गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो कल का डे बहुत बिजी था क्योंकि मेडिकल था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो टाइम नहीं मिला। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है स्किल टेस्ट में, ठीक है, और आप सबको पता है कि एक बार कट ऑफ और आएगी, थोड़ी बढ़ के आती है, पर फिर भी जिनका हुआ है वो ज़रूर जाएँ, ठीक है, भले उनकी कट ऑफ जितने मार्क्स ही क्यों ना आए हों। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए सबसे अच्छा आइडिया ये है कि जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दें, ठीक है। और बीआरओ जो भरने वाले हैं वो ध्यान रखें, बीआरओ में बहुत कड़ा मेडिकल होता है, एज ए जैसे बीएसएफ वालों का होता है वैसे आप लोगों का भी होगा। तो अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो ही बीआरओ को अपनी चॉइस दें, वरना उसको लास्ट पे रखें। और फीमेल तो नहीं भर सकती हैं, उनको पता होगा। और कुछ वैकेंसी में साफ साफ लिखा होता है दैट ओनली फॉर इंग्लिश स्टेनोग्राफर, तो जो हिंदी स्टेनोग्राफर है वो तो प्रेफरेंस दें ही नहीं उसको, ठीक है। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप लोगों ने भर लिए होंगे। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन सा भरें कि दिल्ली मिल जाए, तो देखिए स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म जब इशू होंगे तभी आप उसकी चॉइस भर सकते हैं, अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, स्टेट प्रेफरेंस का। बहुत सारे लोगों को, जैसे मान लो कल क्या था कि बहुत सारे कानपुर के लोग थे जो कि इधर जिनको भोपाल रीजन मिला है उन्होंने चाहा कि कानपुर मिले, एक बिहार के भाई थे उनको कानपुर चाहिए था उन्हें नहीं मिला, तो मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता। और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, ग्रेड सी वालों के लिए जो पोस्ट होती हैं जनरली, क्योंकि वो बड़े ऑफिसर्स के स्टैनो होते हैं, तो ज़्यादातर कोलकाता या दिल्ली के आसपास का उनको मिलता है, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना लें अभी स्टेट प्रेफरेंस की। स्टेट प्रेफरेंस के बाद भी सिटी प्रेफरेंस का फॉर्म तो नहीं निकलता, बट हाँ आप अपना लिख के दे सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी कितनी 26 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी आपका डीवी कब है। तो जहाँ पे भी डीवी हो आप टाइम से पहुँचें, ठीक है, हो सकता है आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही हो, तो डीवी के दिन ही जाने की कोशिश ना करें, एक दिन पहले पहुँचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से देख के ले जाएँ, आधार कार्ड वगैरह भी ले जाएँ, ठीक है, वो भी चेक होता है, मदर फादर का नेम वगैरह आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मेरा भी शायद है अलाहाबाद ही होगा, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि आप किस जोन में आते हैं। और मेडिकल में क्या हुआ ये बताना चाहते हैं, तो जो जिन लोगों का स्किल में हुआ है, ठीक है, अब उनका भी धीरे धीरे यही सिलसिला रहेगा और वो भी मेडिकल को फेस करेंगे। तो मेडिकल में डरने की कोई बात नहीं है, ये नहीं कहेंगे फॉर्मेलिटी होती, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी नहीं है, मेडिकल जो भी होता है वो थोड़ा सा सीरियस होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ वो आपकी आई साइट चेक की जाएगी, ठीक है, तो मेरी 6x6 थी, यानी कि नॉर्मल विजन है, जिनको चश्मा लगा है तब भी कोई इशू नहीं है। आपसे ये ज़रूर कहा गया था कि जो फ़ोटो लगाए वहाँ पे फॉर्म में उसमें चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि फिर फेस में ये सब से क्लियर नहीं दिखता। लेकिन अगर आप चश्मा यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो भी विजन है वहाँ पर नोट किया जाएगा, एक फॉर्म देते हैं वहीं पर मेडिकल के पहले, ठीक है, पहले डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हुआ था। और जो हम लोगों ने जो अभी आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन किए जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे, आप जो भी कागज़ वहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि फोटोकॉपी भी ले जानी होती है, ध्यान रखिएगा फोटोकॉपी ज़रूर ले जाइएगा, ठीक है। अच्छा हो दो सेट ले जाएं, ठीक है, तो एक जमा हो जाएगा एक अपने पास रखे। तो वो फोटोकॉपी आपको जो भी डिपार्टमेंट मिलता है, ठीक है, जिस रीज़न का मिलता है, जैसे CBDT मुझे मिला वो भी भोपाल रीजन का, तो भोपाल रीजन में जो हेडक्वार्टर है आयकर विभाग के, वहाँ पर मेरे सारे डॉक्यूमेंट वही थे जो कि DB में जो फर्स्ट DB हुआ था आफ्टर स्किल टेस्ट उसमें जो दिए गए थे, तो उन्होंने उससे और जो अभी रियल डॉक्यूमेंट दिखाया उसने उससे मैच कराया, ठीक है। और थोड़ा बहुत पूछा डेट ऑफ बर्थ वगैरह और मदर फादर ने पूछ भी सकते, नहीं भी पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 100% पूछते हैं, वो मैच कराया। वहीं स्टाफ के दो लोग थे, ऐसा नहीं कोई बाहर से सीनियर बुला के ऑफिसर बुला के चेक करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल में आपकी आई सेट चेक होगी पहले, और इसके बाद जो दूसरा रूम था मेडिकल के लिए हम लोगों को किसी दूसरे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, ये सबसे अच्छा था, ठीक है, वहीं डिस्पेंसरी थी। तो उसमें क्या हाइट वेट पूछा जाता है, और आपकी जो फैमिली है उसमें कोई सीरियस इलनेस तो नहीं है किसी को कोई, ठीक है, एडमिट तो नहीं रहा, ये सारा कुछ पूछा जाता है उस फॉर्म में भी पूछा जाता है कि अस्थमा वगैरह तो नहीं है आपकी फैमिली में किसी को, ठीक है। तो इनकेस है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो और अच्छा हो कि ना हो और ना लिखना पड़े आपको। वो डॉक्टर ये भी पूछता है कि हार्ट इशू तो नहीं है आपके घर में किसी को, अगर होगा इन केस के भी जेनेटिक होता है हार्ट प्रॉब्लम, मतलब 90% केस में जेनेटिक ट्रांसफर होता है, तो फिर आपके भी हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। और DB के टाइम तो सबकी बढ़ जाती है, तो अगर थोड़ी बहुत बढ़ी भी होगी तो वो कहेंगे कि मैं यहाँ पे आपको फाइन लिख रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर बोलेंगे या मैम होंगी।
और आप ये थोड़ा चेकअप करवा लीजिएगा, वो सलाह भी देते हैं, ठीक है। कोई नहीं चाहेगा कि बच्चा इतनी मेहनत करके आया, हम उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। तो बहुत सीरियस केस में करते हैं, मतलब 25 लोगों में किसी को भी ऐसा नहीं था, सब लोग आराम से अपना मेडिकल दिए और वेट वगैरह देखा जाता है, हाइट भी पूछते हैं वो, पल्स रेट आपकी चेक होगी, बस ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ नहीं लिया गया। बाकी डिपार्टमेंट में ऐसा होता कि नहीं होता, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें क्या हुआ मैंने आपको बता दिया, वो भी भोपाल डिवीजन का। कभी कभी क्या होता है कि आपको वो हॉस्पिटल बोल देंगे कि आप यहाँ जाइए और ये सब करवा के लाइए, तो हम लोगों को तो अच्छा रहा कि वहीं रहते हुए बाहर से डॉक्टर आए। 250 रुपये हम लोगों की फ़ीस लगी थी, तो ज़्यादा का मैं नहीं कह सकते, पर हम लोगों के लिए अच्छा था कि किसी हॉस्पिटल जाके वहाँ चेकअप करवाने से अच्छा है कि यहीं पे डॉक्टर आ गए थे और उन लोगों ने, ठीक है, उन लोगों का मेडिकल करवा लिया था। अब अक्टूबर में देखो ज्वाइनिंग होगी हम लोगों की, ये तो बता दिया गया था कि अक्टूबर में होगी, वहाँ का स्टाफ बोल रहा था। अब भोपाल डिवीज़न में भी कहाँ पर हम लोगों की एलोकेशन होती है, ठीक है, किस कौन सा ऑफिस ज्वाइन करने को मिलता है ये मुझे नहीं पता। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि इनकम टैक्स के जितने भी ऑफिस होते हैं और भी दो तीन डिपार्टमेंट ऐसे, वहाँ पे कैंटीन ज़रूर होती है और क्या सस्ता और बढ़िया टेस्टी खाना मिलता है, ठीक है। तो यही था जो मैंने बताया आपको, तो अच्छा अच्छा खाएं, मतलब सेहत वाला खाना खाएं और उल्टा सीधा ना खाएं ताकि आप बीमार ना पड़े यहाँ, ठीक है, मेडिकल टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और बस यही, और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।